ये भाई साहब आए नीचे से, अंदर की दिखाई इन्होंने, मैंने भर्रा मारा और काट दी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो ये देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में उड़ाने वाले हैं, ये रही भाई अपनी गिलहरा पतंग। और हवा आप देख सकते हैं, आज हवा की स्पीड मीडियम से थोड़ी तेज़ है, और मुझे लग रहा है कि जैसी आज हवा की स्पीड है तो आज जितने पेड़ लड़ेंगे वो फंसा के ज़्यादा लड़ेंगे। तो देखो एकदम चिकना मांझा है मेरे पास, एकदम चिकना मांझा है ये, मैंने कल ही जो पतंगें पकड़ी थी उसमें मुझे मिला था, बहुत स्मूथ मांझा है। तो इसी मांझे से अभी इस पतंग को करते हैं पार, और फिर देखते हैं भाई आज क्या सीन होता हमारे साथ। अभी आप जानते हैं मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, तो देखते हैं फिर। यहाँ पे देखिए मौसम, देखिए कितना कर्रा मौसम हो रहा है, एकदम चारों तरफ बादल हैं और धूप भी आ रही है सामने से, मतलब कहीं पानी भी बरस रहा है, इसीलिए इतनी तेज़ हवा निकल के आई है। और हवा भी आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ चल रही है, आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। और मुझे लग रहा है आज भाई हमारी किस्मत शायद पलट जाए, क्योंकि हवा तेज़ है, और जितने दिन अभी 2-3 दिन मेरा हाथ नहीं चला तो हवा थोड़ी कम थी या फिर मीडियम थी, तो आज हवा निकल के आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साथ शायद हम पतंग आज काट सकते हैं, ये तो भाई लड़ाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर से मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई आज थोड़ा दिन सही हो सकता है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एक बंदा आ गया, ये हमारा पहला पेज था, वो उसकी पतंग रेड सर्कल के अंदर दिख जाएगी नीचे से, और हमारी पतंग ब्लू सर्कल के अंदर ऊपर से है। तो ये बंदा देखो नीचे से आ रखा है, ये इसने अंदर की दिखाई और हमने भर्रा छोड़ के काट दी। भाई इतनी तेज़ हवा में अगर कोई अंदर की दिखाए ना तो पहले सीधा गद्दा उतारो, जैसे ही डोर टच होने वाली हो वहीं एकदम से झटका मार के ढील छोड़ो, उसकी पतंग वहीं कट जाएगी। अगर तेज़ हवा है तो बहुत आराम से आप ये वाला पेज काट दोगे, आप ट्राई करना तेज़ हवा में ये पेज, अगर कोई अंदर की दिखाता ना तो बहुत आसानी से आप ये वाला पेज काट सकते हो। चलो फिर दूसरा लड़ाते हैं। तो अभी देखो सामने से एक और बंदा अपनी पतंग पार कर रहा है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो पतंग थोड़ी कम उड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे पतंगबाजी बढ़ जाएगी। वो सामने मेरी पतंग रही, तो अब आप देख सकते हैं उस बंदे ने पतंग पार कर ली है, उसकी पतंग वो रही, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो जो पतंग नीचे घूमती भी जा रही है ना, ये उस बंदे की पतंग रही, इसी से हम अभी पेड़ लड़ाएंगे। ये बंदा आगे से उड़ा रहा है एकदम हमारे सामने से, ये इसकी पतंग रही, और ये वाली जो पतंग दिख रही होगी स्क्रीन पे ये हमारी रही, ये देखो हमारी है, ये उस बंदे की है। चलो फिर ऊपर से एक और पेड़ लड़ाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो हमारा पेज आ गया है, तो थोड़ा पेज ही लंबा है, लेकिन तब भी आपको मुझे लग रहा है कि पतंगें क्लियरली दिख रही होंगी अगर आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो देख रहे हो। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ और हवा तेज़ है, मज़ा आ रहा है लड़ाने में, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से है। तो यहाँ पे देखो मैं सोच रहा था पेज फंसाऊँ, तो मैं थोड़ा उसको उसके मुंह के पास ही चल रहा था, मतलब घेर के जिसे कहते हैं ना, वो हमारे नीचे से आ रखा था तो हम एकदम घेर के चल रहे थे उसका मुंह। ये देखो फिर मैंने गद्दा रखा, बाहर की मारी और काट दी। तो इस वाले पेज में देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने उसे दिखाया कि मैं सीधा गद्दा मारूंगा, उसने जैसे ही बाहर की खींची मैंने वहीं अपनी पतंग का मोटा चेंज करके ऊपर की तरफ का खींच दिया। और यहाँ पर देखो हमने 2 पतंगें काट दी, तो ऐसा लगता है हमारा दिन आज सही जाएगा। आ गया भाई अब हमारा तीसरा पेज, और ये पेज भी थोड़ा लंबा ही लड़ रहा है। तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और देखिए ये ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है और नीचे से आ रखा है। अब आगे से ज़्यादातर लोग आगे से ही पतंग उड़ाते हैं, तो मुझे ज़्यादातर पेज ऊपर से ही लड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग आगे से हैं तो मुझे नीचे का पेज तो वो देंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो ये मैंने मारा गद्दा, लेकिन उस बंदे ने अपनी पतंग बचा ली थी, मुझे लगा कि पेज फंस गया तो मैंने थोड़ा बहुत डोरा दिया, लेकिन पेज फंसा नहीं था इसीलिए देखो मैंने पतंग अपनी बचा ली, ये उठ के आ गई मेरी पतंग। तो उस समय तो पेज हुआ नहीं था, देखो दोबारा से ये पतंग लेके मैं जा रहा हूँ अपनी, ये गया मैं, ये बाहर की खींची, लेकिन अब क्या करा हमारे अपोनेंट ने हल्की सी 2 हाथ पतंग खींची और वहीं पतंग को उनने चुटकी में डाल दिया, और हम खींचते रह गए तो हमारी पतंग कट गई। तो यहाँ पर हमारी पहली पतंग कट चुकी है, तो पहली पतंग तो हमारी कट गई, अब ये रही दूसरी पतंग हमारी चप्पा, तो इसको हम अभी पार करते हैं। और एकदम से सामने से देखो यार ये धूप कितनी कर्री पड़ रही है, कितना बढ़िया आज व्यू आ रहा होगा आप लोगों को, सीधा धूप जो हो रहा लग रहा, मेरी पूरी फोकस मेरे कैमरे के ऊपर ही कर रही है, जो कैसे साइनिंग मार रही है कोने से, आप लोग को दिख रहा होगा। कभी कभी मौसम यार बहुत ही दिलदार हो जाता है। तो ये जाती हुई हमारी पतंग डायरेक्ट आपको पेज दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे चाहे मैं मेरा पेज कट गया हो, लेकिन मुझे पेज लड़ाते हुए मज़ा बहुत आया,
क्योंकि देखो रेड सर्कल की तो मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल की हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से। यहाँ पे देखो मैं उसके कन्नों के पास मैंने पतंग रखी और उसने भी एकदम डबल का पेज बनाया, कुंडा डाला और दोनों पतंग को चक्कर देने लगे। मंजा उसने भी सही बांधा होगा, मैंने भी, मेरा भी मंजा सही था और दोनों की पतंगें देखी मंझोली थी और मेरा मंजा आपको पता ही एकदम चिकना, तो ऐसे निकल के जा रही थी मेरी पतंग, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हम चक्कर देते रहे, वो भी चक्कर दे रहा था, दोनों की पतंग नीचे घुस गई। लेकिन तभी मैंने अपनी पतंग को थोड़ा टाइट करके, डोर को टाइट करके अपनी पतंग उठाई मैंने, और उस बंदे ने भी अपनी पतंग उठा ली। उसके बाद दोनों की पतंग खड़ी होकर आने लगी। ये मुझे बहुत कर रहा लगता है जब दोनों की पतंग नीचे जा रही हो, दोनों की पतंग उठ के आ जाना, ये सीन बहुत कर रहा लगता है। तो थोड़ी देर तक हमारा पेस फिर चला और फिर मुझे पता चला कि भाई पेस तो पड़ा ही नहीं था, मतलब ऐसा हुआ पेच पड़ा, उस बंदे ने कुंडा डाला, उसके बाद पेच हमारा निकल गया। तो फिर मैं अपनी पतंग लेके गया, मैंने सोचा दोबारा से कुंडा डाल के पेच फंसा दे रहा हूँ। तो ये फिर मैंने पतंग पटकी, लेकिन उस बंदे ने पतंग बचा ली। कोई नहीं, लेकिन यार हमें तो फंसा कर ही पेड़ उड़ाने में मज़ा आ रहा था, लेकिन हम ये भूल गए कि उस बंदे को पता चल गया कि मैं ज़्यादातर पेच फंसा रहा हूँ। तो उस बंदे ने इसी बात का उठाया फ़ायदा, तो देखो अब उसने क्या करा। यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती पेज फंसा रहा था, ये मैंने रखी, उस बंदे ने पट मार दिया और हमारी पतंग कट गई। तो इतना भावनाओं में नहीं बहना चाहिए जैसे मैं बह गया था, वरना आपकी पतंग भी ऐसी कटेगी। तो आपने देखा इससे पहले वाला पेज यार फंसा तो बहुत शानदार था, पेज अच्छा खासा लंबा भी गया था थोड़ा बहुत, लेकिन एंड टाइम में पेज ऐसे ही निकला। लेकिन दोबारा हमने जो फंसाने की कोशिश करी ना, वहीं हम पे गलती हो गई। तो कोई नहीं, हमने एक और अपनी पतंग पार कर ली है। तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और देखिए ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से है। ये मैं निकला बाहर का वो लेते हुए, और यहाँ पे देखो हमने काट दी। जो हमारा अपोनेंट था वो पतंग अंदर की दिखा रहा था, लेकिन वो पूरा दिखा नहीं पाया, उसने एक ही हाथ खींचा होगा, तब तक मैं उसकी पतंग खींच के ले गया। तो सामने जो दूसरी पतंग उड़ रही है उसी से उड़ाते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो हमारा एक और पेज आ गया, रेड सर्कल वाली पतंग हमारी रही ऊपर से है, और ब्लू सर्कल वाले हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से है। तो यहाँ पे देखो ये गया मैं, और ये जाके मैंने नीचे से मैंने हाथ ले रहा था, लेकिन वो बंदा दे नहीं रहा था। तो उसने क्या करा, एकदम से पतंग मेरे उसमें डाल दी। देखना भी आप, ये मैंने रखी पतंग, और रख के मैंने जैसी पतंग उठाई, उस बंदे ने पतंग डाली और वो जल्दी जल्दी खींचने लगा, लेकिन मैं चुटके आ रहा था। और जैसे उसने दूसरी बार पतंग खींची, उसकी पतंग वहीं कट गई। मैं देखो डोर लगा रहा था, वो इतनी तेज हवा में अगर पतंग खींचेगा, फिलहाल वो मेरे आगे से उड़ा रहा था इसलिए उसने इतनी खींच भी ली, वरना वो और तेज कट जाता। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। और देखिए हमारा शायद कल या परसों में मैदान से गेम हो सकता है, तो वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा मैदान में तो आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार हम लोग भी मैदान में नहीं गए। अब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है, तो हमारी मन कर रहा है यार मैदान जाके पतंगबाजी करने का। तो अगर मैदान जाते हैं तो आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगी। मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कौन कौन एक्साइटेड है मैदान की वीडियो देखने के लिए, और अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि अपना भी मैं एक्शन दिखा सकूँ मैदान में। सबका एक्शन दिखा देता हूँ लेकिन अपना नहीं दिखा पाता, लेकिन अब की बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी एक्शन भी दिखा सकूँ। तो फिर मिलते